मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को बताएं कि एक बार उनको प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उन्हें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। देखिए, कागज लेके अपने वकील से पूरा सलाह मशवरा कराना चाहिए, जो भी चीजें होती हैं, जैसे उसका 24 साल 40 साल जो भी उनकी चीजें हैं उनको जानकारी जरूर करनी चाहिए, और उसमें किसी भी चीज से समझौता नहीं करना चाहिए जी। बयाना भी जब भी देना चाहिए किसी के मार्फत कि जब आप कागज से संतुष्ट हों। जब ईमानदारी से काम करते हैं हम, तो हमारी ईमानदारी को देखते हुए हमें कोई किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती, हमारे सब काम सही हो जाते हैं जी। नमस्कार दोस्तों, मैं जय चौधरी, HBN न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं हूँ अलीगढ़ के ऐसे शख्सियत के साथ में जिनको प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के लिए बहुत बड़े स्रोतों से लोग जानते हैं, जिनका नाम है, बहुत बड़ी शख्सियत है जो आज हमारे साथ बैठे हुए हैं, जिनका नाम है प्रभु शंकर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है HBN न्यूज़ में जी। तो आज प्रभु शंकर जी से हम जानने वाले हैं कि लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कैसी उनको प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए और प्रॉपर्टी खरीदते समय उनको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। सर, क्या आपका मानना है? देखिए, हमारा मानना ये है, जो प्रॉपर्टी खरीदने वाला है उनकी जी हम रिक्वायरमेंट को देखते हुए उनके लिए हम पूरी करते हैं। अच्छा सर, जैसे कि आप इतने लंबे समय से 1975 से इस रियल एस्टेट के काम में हैं, तो कभी आपने ऐसा देखा है कि बहुत सारे लोग अपनी बड़ा मेहनत से अपना मकान खरीदते हैं, उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए आप कुछ कहेंगे? सर नहीं, फ्रॉड हो जाता है, मगर जो जैसे कि कागजी प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाते हैं जी, और जो ब्रोकर बीच में जैसे काम करा रहे हैं, अब उनको इतनी जानकारी नहीं है, तो उसमें फंसने की भी संभावना रहती है। हमने सर बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि एक व्यक्ति अपने पूरी जीवन की एक ऐसी पूंजी उस मकान को खरीदने के लिए लगा देता है, लेकिन उसके साथ फ्रॉड होता है, तो कहीं ना कहीं जाके बहुत सारे लोग ऐसे भी हुए, उनको आत्महत्या तक करनी पड़ी है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को बताएं कि एक बार उनको प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उन्हें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। देखिए, कागज़ लेके अपने वकील से पूरा सलाह मशवरा कराना चाहिए, जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे उसका 24 साल 40 साल जो भी उनकी चीज़ें हैं उनको जानकारी जरूर करनी चाहिए, और उसमें किसी भी चीज़ से समझौता नहीं करना चाहिए जी। बयाना भी जब भी देना चाहिए किसी के मार्फत कि जब आप कागज़ से संतुष्ट हों, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है आप बयाना पहुंच जाता है पहले, कागज़ से संतुष्टि बाद में मिलती है, तो जब तक जो है परेशानी फिर हो जाती है। तो इसलिए किसी को भी पैसे दें बाद में दें, पहले पूर्ण रूप से अपने कागज़ से संतुष्टि हों जी, उसके बाद ही बयाना दें जी। तो सर, हम लोग देखते हैं कि आज की डेट में बहुत बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर हैं, और क्या करते हैं, जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं तो लोगों से एडवांस भी ले लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि जो उनको समय सीमा दी जाती है उनको समय से मकान नहीं मिलते हैं, तो ऐसी स्थिति में कस्टमर को क्या करना चाहिए? देखिए जी, हम तो ये कहेंगे कि तुम्हारी जो भी चीज़ तैयार हो उसको खरीदें। अगर कोई बिल्डिंग अधूरी है और कोई भी व्यक्ति कह रहा है कि साहब हम इसको पूर्ण करके देंगे, तो जो पूर्ण है उसमें से खरीदें ना, उसमें से। मतलब आपका कहने का मतलब है कि अधूरी ज़मीन को ना खरीदा जाए, जैसे लोग एडवांस दे के पहले से ही बुक कर देते हैं, जैसे बड़े बड़े बिल्डर्स करते हैं, दिल्ली में देखते हैं हम लोग, मुंबई में देखते हैं, ऐसा ना खरीदा जाए। नहीं, बिल्कुल, जो बिल्डिंग तैयार है उसमें से सामान खरीदें, तो कहीं दिक्कत होगी नहीं कस्टमर को जी, कस्टमर को परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं होगी जी, क्योंकि आजकल तो तुम्हारी की बिना फाइनेंस के तो कोई खरीदता ही नहीं है जी। तो इसलिए एक बिल्डिंग जो कंप्लीट हो उसको खरीदें, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो सकती। अच्छा सर, आप 1975 से इस लाइन में हैं, तो सर कब आपको ऐसा फील हुआ कि यार मुझे प्रॉपर्टी इस वाली लाइन में, रियल एस्टेट की लाइन में जाना चाहिए? नहीं, ऐसा है, देखिए जी, पहले तो हमने अब तो लोगों को ऐसी ऐसी चीज़ें दिलवाई हैं अलीगढ़ के अंदर, 300-300 रुपये गज में दिलवाई हैं, जो आज वहाँ लोग 25-25 हज़ार रुपये गज के हिसाब से प्लॉटों को अपनों को बेच रहे हैं जी। जब उनको बेच रहे हैं तो जब भी उनको विश्वास जमा कि भाई प्रभु जी ने हमको वो प्लॉट दिलवाया था यार, वो आज 25 हज़ार रुपये गज है और हमने दिलवाया वो 300 रुपये गज, जब उनके इतने पैसे बढ़ चुके तो हमें अब तुम्हारी किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, ग्राहक अपने आप समझ जाता है कि भाई जब जो 300 का दिलवाया आज वो 20 हज़ार और 25 हज़ार के रेट हैं जी, तो भाई कोई हमारी जो कस्टमर हैं वो हमारे बंधे हुए हैं, हमें तो कोई ज़्यादा उसकी वो ज़रूरत ही नहीं है। मगर जब ईमानदारी से काम करते हैं हम, तो हमारी ईमानदारी को देखते हुए हमें
कोई किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं होती, हमारे सब काम सही हो जाते जी। तो हमारे साथ थे प्रभु शंकर जी, जो कि अलीगढ़ के जाने मानी हस्ती हैं। लोगों को एक नहीं, सौ नहीं, हजारों लोगों को उन्होंने मकान प्रोवाइड कराए हैं, और आप भी प्रभु शंकर जी से मिल सकते हैं, इसीलिए जाने जाते हैं, जानी हुई हस्ती हैं। तो प्रभु शंकर जी, आप हमारे यहाँ स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपको ऐसे जानी मानी शख्सियतों के साथ मिलाते रहेंगे। देखते रहिए हमारे साथ HBN News। मैं कैमरामैन दीपक दुबे के साथ, धन्यवाद।